अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकर टिप्स चैनल। कुकर से वेलकम, आपकी प्यार मोहब्बत चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इस तरह दोस्तों फ्रेंड्स को फैमिलीज में फ्रेंड शेयर कीजिएगा। अच्छा, आज कुछ थोड़ा सा मेरा तो बेसिकली जो मकसद बेसिकली टिप्स देना है कि प्रोडक्ट्स विच वन बेटर फॉर यू, कि इस टेक्नोलॉजी अगर कोई लॉन्च हुई है मार्केट में, इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन बाय फॉर दिस वन। मैं ये नहीं कभी कहता हर किसी कि आपने ये बाय कर लें तो ये आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बाकी डिसीजन मेक टू यू, वो आपने डिसीजन आपने खुद से मेक करना अपना कि विच वन बेटर दैट, कि इसकी टिप्स में, इसकी टेक्नोलॉजी में ये फर्क था और इसके में ये फर्क था। अच्छा चले, आज हमारे टॉपिक जो लिए है बेसिकली सचेस लिए है होमेज का। होमेज कंसर्निंग सिस्टर है किसकी, कैनवुड वालों की। कैनवुड वालों का ब्रांड ये है ये होमेज, और अच्छी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है इन्होंने। ये इसका मॉडल है इसको हम जो करेंगे इस प्रोडक्ट को, इसकी एक तो फर्स्ट वन इस टेक्नोलॉजी में एसी में है क्या क्या, और सेकेंडली इसकी वारंटी क्या है, और थर्डली इसके अंदर ऑप्शंस और इसका प्राइस क्या है। ये तीन वेरिएंट कस्टमर मार्केट में आता तो देख रहा होता तो ज्यादा, मेरी कोशिश ये है कि तीनों को डिस्कस करेंगे और कोशिश पूरी करूंगा कि मिनिमाइज तरीके से करूं ताकि वीडियो छोटी हो और आपको ज्यादा फायदा हो इसका। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को, ये जो मॉडल है होमेज का, इसका मॉडल है 1811S सॉरी T3 कंप्रेसर के साथ आया है। आइए दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखेंगे तो इंडोर इसका 2 बिगर साइज, काफी बड़ा साइज का बनाया है इन्होंने। एलिमेंट सीरीज है प्लस के साथ। एलिमेंट प्लस क्या किया इन्होंने, पहले खाली एलिमेंट आ रहा था, अब ये एलिमेंट प्लस के साथ आया है। इसके अंदर इन्होंने T3 कंप्रेसर डाला है क्लास 1 वाला, और रेफ्रिजरेंट गैस जो है इसकी 410 है। प्रॉपर डीसी अगर थोड़ा सा दिखाएंगे, 75% एनर्जी सेवर है और डीसी टेक्नोलॉजी के साथ है। हाई एमिटेड कूलिंग है, यानी कि कूलिंग एफिशिएंट बहुत हाईटेक की है, और वाईफाई फंक्शन के साथ है। और इसके अंदर जो अवेलेबल ये ऑफर्स दे रहे हैं आपको, आल्सो वर्क इन जनरेटर से भी एक्टिवेशन ले सकते हो आप, और इन्वर्टर यानी कि सोलर पे भी इसको एक्टिवेशन दे सकते हो। और स्टेबलाइजर की नीड नहीं है, स्टेबलाइजर की इसलिए नीड नहीं है कि ये आपका 150 भी वॉट्स आएंगे तब भी ये चलता रहेगा। और इसकी अब थोड़ा सा साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, कस्टमर से हम मुझे थोड़ा सा ब्रीफ का था कि साइड से स्टिकर को भी दिखाया करें। अब स्टिकर्स को हम स्टडी करते हैं। बेटा थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, मैं सीधा करता हूँ। तो ये देखें स्टिकर्स को अगर हम दिखाएंगे तो स्टिकर भी इसलिए जिसने बताया T1 T3 कंप्रेसर के साथ है, और क्लास 1 है इसमें, और रेफ्रिजरेंट जो है वो 410 है, और कूलिंग रेट भी इसका देख लेंगे बहुत ज़बरदस्त है, अम्पेयरिंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छी है। और इन्वर्टर को जिस तरह मैं डिफाइन करता हूँ कोशिश पूरी है, आइए दिखाएं आगे से फ्रंट से। और 4-way स्विंग के साथ है ये, जैसे आप देख रहे होंगे 4-way स्विंग किसको कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। फर्स्ट वन फ्लिप, सेकेंडली 1 2 3, ये 3-way, ये इसको 3 साइड हो जाती है जिसको 4-way स्विंग कहते हैं। 4-way स्विंग का फायदा क्या होता है, 4-way स्विंग का फायदा ये होगा आपका कि अगर आपको कोई सामने बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग है या बच्चा है, वो डायरेक्ट हवा लगती है, वो उधर थोड़ी सी चुभती है, जरा इरिटेट करती है, आप इसको 4-way स्विंग पे लगा देते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एयर को, सीधे डायरेक्ट एयर नहीं लगती, जिससे आपके कमरे को अच्छा एफिशिएंट कर देता है। हाँ, इसकी अगर हम बात करेंगे इसके इंडोर्स की, 100% कॉपर डिजाइन है, और उसके ऊपर ग्लॉसिंग गोल्डन की भी है इन्होंने, ताकि इसको रस्ट नहीं आएगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा आपका। और इसका जो ये आउटडोर इंडोर बॉडी है वो भी व्हाइट में अच्छी वाली है, कि जल्दी येलो में नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा नहीं येलो में, इन्होंने चीज ही ऐसी यूज की है कि येलो नहीं होगी, पेल में नहीं जाएगा। और आउटडोर भी इसका काफी बड़ा बनाया है इन्होंने, और गोल्ड फिन्स जिससे रस्ट फ्री हो जाता है आपका, और 150 वॉट से प्ले हो जाता है, और इसकी 4-way स्विंग के साथ है, रेफ्रिजरेंट गैस 410 है। मैं अगर रिव्यू एक दफा देके इसको वार्निंग में करके जाएं, और वारंटीज की हम जब बात करेंगे तो वारंटी ये दे रहे हैं आपको 4 साल पीसीबी किट कौन सी जो आउटडोर को लगती है, उसकी 4 साल की वारंटी है। बेसिकली मेन चीज इस इन्वर्टर के अंदर वही होती है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रही होती है, फुली डीसी को एसी है। नॉर्मली कस्टमर्स थोड़ा करता है कि जी कि ये हाफ एसी है, डीसी है या फुल डीसी है, ये डीसी है यानी कि इसका कंप्रेसर, इसकी फैन मोटर, इंडोर मोटर सारी डीसी पे ही प्ले होती है, इसलिए ये सोलर को भी रिकमेंडेशन दे देते हैं। और इसकी प्राइस की हम बात करेंगे, प्राइस इसकी 1,62,000 की हुई हुई है आजकल, अच्छी प्राइस है, बिग इंडोर है, और जिससे थ्रो कूलिंग बहुत अच्छी इफिशियंट हो जाती है, आपकी कवरेज अच्छी होती है। जो अब कमरे की साइज को हम बताएं 1.5 टन के लिए, तो 1.5 टन का जो कमरे का साइज है आपका, वो कम से कमो पेश हो कोई 12x13 का या 13x14 का,
तो ये बड़ा अच्छा एक कूलिंग को मेंटेन करता है। इन्वर्टर का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो सच एस आपकी जब कूलिंग को मेंटेन करता है, इसको ऑन करते हैं, कूलिंग मेंटेन करता है, फिर इसका ग्राफ नीचे आता है, नहीं तो ग्राफ नीचे नहीं आता। फिर नॉर्मली शिकायत होती है कि यार ये तो ये बिलिंग का फायदा ही नहीं हो रहा। बिलिंग का फायदा तब होगा जब ये अपनी कूलिंग को मेंटेन कर लेगा। जब कूलिंग मेंटेन करेगा 110% फायदा लोगे आप इसका इन्वर्टर का। फिर ये 2.5 पे, 1.5 पे मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट होता है तो 1.5 भी आ जाता है। और मेरे नज़र के मुताबिक इसको रात को अगर आप आई फील पे प्ले करते तो ज्यादा फायदा हो जाता है, बिजली भी कंजम्पशन भी कम हो जाती है। और इसके अलावा कोई मेरे ख्याल में काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी, प्राइस भी डिस्कस हो गया, वारंटी भी डिस्कस कर दी, टेक्नोलॉजी भी डिस्कस कर दी, इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन होगा ये मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। कोई मैसेज, कोई रेट या कोई चीज ऑर्डर करना हो तो बिल्कुल लशक कर सकते हैं। आपके प्यार मोहब्बत चाहतों का बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम जी।